लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को जिन राज्यों में करारा झटका लगा था उनमें यूपी के अलावा महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान भी शामिल है। महाराष्ट्र में तो कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में भाजपा चिंतित नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव जैसा ही प्रदर्शन यदि विधानसभा चुनाव में रहा तो उसे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है या यूं कहें कि सत्ता से बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भाजपा पहले से ही तैयारी कर रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि इसके लिए MADHAV फॉर्मूले पर जोर दिया जाएगा। इस फॉर्मूले पर पार्टी पहले भी काम कर चुकी है और इसका उसे फायदा भी मिला है। दरअसल मराठा आंदोलन की काट के लिए एकनाथ शिंदे सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले विशेष सत्र बुलाया था, कोटे को मंजूरी भी दिलाई थी। इसके बाद भी नतीजे खराब आए। माना जा रहा है कि मराठा समुदाय का समर्थन शरद पवार की NCP और उद्धव सेना और कांग्रेस के साथ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मराठों को ज्यादा तवज्जो देने से OBC तबका भी दूर होता हुआ नजर आया है और इसका चुनाव में नुकसान देखने को मिला है। अब भाजपा इसी परेशानी का हल निकालने के लिए माधव फॉर्मूला लागू करना चाहती है। भाजपा की ओर से पहले भी माली, धनकर और बंजारा समुदाय को लुभाने की कोशिशें होती रही हैं। इन तीनों समुदाय को ही मिलाकर माधव का नाम दिया गया है। तीनों ही वर्ग OBC से आते हैं और साल 2014 में बड़े पैमाने पर इनका समर्थन भाजपा को मिला था। अब भाजपा एक बार फिर से उन्हें साथ लाने की कोशिश में है और इसी कोशिश के तहत पिछले दिनों अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर कर दिया गया था। अहिल्याबाई होलकर की धनकर समुदाय में देवी जैसी मान्यता है। वह ऐसी मराठा शासक थी जिन्होंने देश भर में तमाम मंदिरों का पुनर्द्वार कराया था और धनकर के साथ ही माली और बंजारों को भी मिला ले तो बड़ी संख्या बन जाती है। महाराष्ट्र में इन तीन बिरादरियों को ही OBC का बड़ा हिस्सा माना जाता है। अहिल्याबाई होलकर को लेकर RSS का भी बड़ा प्लान है और उसने उनकी 300वीं जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम कराने का फैसला ले लिया है। धनकर समुदाय का महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, पुणे, अकोला, परभणी, नांदेड़ और यवतमाल जैसे इलाकों में अच्छा प्रभाव रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के एक्सपर्ट का कहना है कि करीब 100 विधानसभाओं में धनकर समुदाय का असर रहता है। इसके अलावा 40 सीटों पर नतीजे बदलने की भी ताकत धनकर समुदाय के लोग रखते हैं। साल 2014 में गोपीनाथ मुंडे ने भाजपा के साथ धनकर, माली और बंजारा समुदाय को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी और उसका नतीजा भी देखने को मिला था। अच्छे नंबरों के साथ सरकार भी बनी थी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में तहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट।